खबर इटावा से है, जहां पर थाना बकेवर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी से आधार कार्ड प्राप्त करके एयरटेल पेमेंट में फर्जी खाता खोलकर किसान सम्मान निधि से पैसे की ठगी करने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पंचायत घर रतनपुरा पर उसकी पत्नी जनसेवा केंद्र पर पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त है, जिस पर एक युवक अपनी किसान सम्मान निधि का पैसा चेक करने आया था। तभी उनका अंगूठा लगाकर एयरटेल पेमेंट बैंक में फर्जी खाता खोल लिया था, जिससे उनके किसान सम्मान निधि से पैसों की ठगी की थी। बताया जा रहा है कि इसी प्रकार से कई व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर चुके हैं। कई अभियुक्त की निशानदेही के आधार पर पंचायत घर रतनपुरा से धोखाधड़ी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। देखिए, किसान सम्मान निधि का कुछ फर्जीवाड़ा संज्ञान में इटावा पुलिस के आया है। बकेवर थाना नगला रमन का रहने वाला इरशाद नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है। लोग जो 24-25 साल का है, ये इनकी पत्नी जो है जनसेवा केंद्र जो है के पंचायत सहायक पंचायत सदस्य के रूप में काम करती हैं, और वहाँ पर उनके माध्यम से इसने अपना डेस्कटॉप, अपना CPU, अपना जो है जो क्या कहते हैं कीपैड तथा मोबाइल का जो इस्तेमाल करता है, जहाँ पर अंगूठा लोग लगाते हैं किसान, और तब उनके अकाउंट में जो है किसान सम्मान निधि का पैसा आता है हर तीसरे महीने में। उसी क्रम में यह व्यक्ति जो है उन लोगों के अज्ञानता का या अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाते हुए उनका अंगूठा लगवा लेता है तथा कहता है काम नहीं हुआ, और अपने ऑनलाइन उनके जो पैसे होते हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। इस प्रकार से लगभग 4 से 5 मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें 25 से 30 हज़ार रुपये का अभी फिलहाल घोटाले की बात संज्ञान में आई है। और ये इरशाद जो व्यक्ति है वो बरेली डिपो में जो है एक परिचालक के रूप में संविदा पे काम करने की बात भी संज्ञान में आई है। फिलहाल इसकी जांच कराई जा रही है तथा इस व्यक्ति को जो है 420 IPC और 66D और 66C जो हमारा IT एक्ट के तौर से उसमें गिरफ्तार किया गया है तथा जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और कितने लोगों के साथ इस तरह की ठगी? देखिए, अभी ये 5 से 6 लोगों का नाम बताया गया है, 4 से 5 से 6 लोगों का इसमें नाम आ रहा है जिसके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है। बाकी इसमें और भी तफ्तीश की जा रही है, हो सकता है और लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया हो। इस पर ये डाटा कहाँ से मिलता था इसको? ये डाटा लोग जो आते हैं जब पंचायत भवन में जहाँ पर इनकी वाइफ बैठती हैं, तो वहाँ पर लोग आते हैं तो अपना जो है अंगूठा देते हैं, अपने आधार कार्ड देते हैं, और देखा होगा आपने कि जो इसने आधार कार्ड बरामद हुआ है उस नाम के व्यक्ति का नाम किसी और का है, फोटो इरशाद का लगा हुआ है, तो निश्चित तौर से डाटा जो जनसेवा केंद्र होते हैं वहाँ पर इनको आराम से मिल जाते हैं, तदनुसार ये उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। क्या इसकी पत्नी भी इसमें मिली हुई है? निश्चित तौर से जांच का विषय है, इसको निकट भविष्य में जो भी अगर आता है तो निश्चित तौर से उसमें उसकी सहमति पाई जाती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।